उज्जैन से यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, तो वो बच्चा मर गया वहाँ पे। और आपसे और सभी से विनती करना चाहता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो हम आ चुके हैं अभी अपने एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही पावन तीर्थ सूरज कुंड। सूरज कुंड वैसे तो खिवाड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, पर हम 40 किलोमीटर कवर करने के बाद भी हमें यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि यहाँ पर हमें 6 से 7 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। तो हमने अपनी बाइक्स यहाँ पर रख दी है। वीडियो की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। बीच में हम एक दो जगह रुक के शॉर्ट्स भी लिए थे, हमने पाव भाजी खाई थी, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, आगे जुड़ जाएंगे। सो हेलो गाइज, अभी हम देसूरी पहुँच चुके हैं। देसूरी पहुँचते हमें तो रास्ते से आते वक्त बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम यहीं पे रुक गए। हमें पाव भाजी की शॉप दिखी है यहाँ पे। भैया वैन में पाव भाजी का सिस्टम सब कुछ करके बैठे हैं यहाँ पे। तो भैया अभी पाव भाजी बना रहे हैं, मैं मनसुख भाई और बड़े भैया तीनों यहाँ से पाव भाजी खा के आगे निकलने वाले हैं जल्दी से। तो गाइज अभी हमने पाव भाजी अपनी फिनिश कर ली है। तो अभी हम भैया से बात करें तो भैया ने अभी हमें बताया है कि ये 5 से 6 साल हो गए हैं यहीं पे रहते हैं, मतलब यहीं पे इनकी दुकान है। पाव भाजी बड़ी फेमस है देसूरी की। तो देसूरी में घूमते वक्त हमें भूख लगी थी, जैसा कि आपको पता ही है, हमने पाव भाजी खा ली। वाकई पाव भाजी का टेस्ट बड़ा ही अच्छा था। तो भैया आप हमसे यहीं पर रहोगे? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। और आपसे और सभी से विनती करना चाहता हूँ, आप आइए और सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। और ये लक्ष्मी पाव भाजी पे, ठीक है सर? भैया की दुकान का, भैया की शॉप का नाम है श्री लक्ष्मी पाव भाजी। और पाव भाजी और पुलाव इनका तो बड़ा ही फेमस है देसूरी का। तो आप आइए जरूर भैया देसूरी और विजिट कीजिए इनके शॉप को। यहीं पे मैन देसूर में आप किसी से भी पूछ लेके पाव भाजी की शॉप पे जा रहे तो भैया का ही नाम लेंगे। भैया का फेस देख लीजिए एक बार। तो आइए और विजिट कीजिए भैया की दुकान। सो हेलो गाइज, अभी हम देसूरी नाल में हैं। देसूरी से सूरज कुंड जाने वाले रास्ते पर ये देसूरी नाल पड़ती है। ये एक तरह का घाटा ही है अरावली के पहाड़, अरावली की पहाड़ियों का। और इसी घाटे की वजह से लोग शौक मौज की वजह से बाइक कार सभी स्पीड में चलाते हैं। उसी की वजह से आज एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। कहने के लिए तो ये जानवर है, पर इनमें भी कितनी फीलिंग से देखिए। वो एक छोटा बच्चा वहाँ पे किसी बाइक वाले या कार वाले ने इसके ऊपर से बाइक निकाल दी है, तो वो बच्चा मर गया वहाँ पे। उन्हीं के उस बच्चे के लिए यहीं पे देखो इनके सारे बैठे जितने भी है बंदर्स वगैरह, कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। हमने इनको बिस्किट खिलाने की भी ट्राई की, पर ये कुछ खा ही नहीं रहे। तो देखिए कितनी भावनाएं हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ मैं कि आप अपने प्लीज़ शौक मौज के लिए तो स्पीड ना ही चलाइए बाइक। अगर कहीं इमरजेंसी है तो मैं आपको मना भी नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे घाटे में ऐसे जानवरों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी देखिए गाड़ी आ रही है, किस तरह से निकलेगी ये देखते हैं। फिर भी इन्होंने मानवता दिखाई है। वो बच्चा बड़ा ही छोटा सा है, ट्रक वाले भैया ने ऊपर से शायद इसको देख भी लिया होगा और अपनी पूरी पूरी गाड़ी साइड से लेके गए हैं। ये बच्चा पता नहीं यहाँ पर कितनी देर ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो अभी हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, रास्ता तो आप देख ही सकते हैं। बाइक हमने रख दी है वहीं पर, तो हमारे बाकी के फ्रेंड्स आगे आगे ही चल रहे हैं। मैं और भैया अभी यहीं पर हैं, हम दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आगे का ये रास्ता बड़ा ही दुर्गम है यार, देखने में ही तो डर लग रहा है।
फिर कोई ना, चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सूरज कुंड के। तो चलिए गाइस। तो गाइस बहुत देर पैदल चलने के बाद मैं अभी यहाँ पे बैठ चुका हूँ। मैं तो थक गया हूँ, फिर भी भैया और भैया के दोस्त आगे जा ही रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले तो मैंने सोच भी लिया था वहाँ के बाइक हम लेके आ सकते थे, पर इस रास्ते पे यार बाइक तो आने से रही, इस रास्ते पे हम बाइक नहीं ले जा सकते। बाइक को तो हमने कुछ लोगों के भरोसे छोड़ दिया है, यही कि लोकल लोग हैं, उन्होंने बोला है कि हम बाइक का ध्यान रखेंगे। वैसे बाइक वगैरह की टेंशन नहीं है, पर हमारा जो सफ़र है वो आगे बड़ा ही दुर्गम दिख रहा है यार। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर में यहीं पर रेस्ट करने वाला हूँ, फिर चलते हैं अपने आगे रास्ते पर। तो हेलो गाइस, बहुत ही देर तक चलने के बाद हम एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे आ चुके हैं। इस लोकेशन में हमें पेड़, झरने, पहाड़ सभी कुछ दिख रहे हैं। तो देखिए आप, ये एक बहुत ही पुरानी शायद बावड़ी टाइप भी कुछ लग रही है। इसका उपयोग कैसे करते हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता, अभी यहाँ के लोकल लोग ज़रूर जानते होंगे। ऐसे इलाके में यार क्या पहाड़ वगैरह ये सब देख कर बड़ा ही मन रोमांचित हो रहा है। पहाड़ों पर भैंसें चल रही है, हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। ये लोग तो पूरा आनंद ले रहे हैं यार घूमने वगैरह का। कोई ना, थोड़ी देर हम भी फोटो वगैरह यहीं पे क्लिक करवाएंगे। बाकी व्यूज़ तो देखो यार, बहुत ही मस्त है यहाँ का। तो बने रहिए आप आगे के वीडियो में, हम ऐसे ही नज़ारे आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो इस पावन तीर्थ के रास्ते पर एक तरफ हमें बहुत ही गहरी खाई दिख रही है, दूसरी तरफ एक संकरा सा रास्ता है। तो इस रास्ते पे हम, मैं और मेरे सारे दोस्त चलते चलते जा रहे हैं। तो हम जल्दी से जल्दी पहुंचने की ट्राई कर रहे हैं। ओहो, तो देख ही सकते हैं स्पीड का तो कुछ कह ही नहीं सकते। एक बार फिसल गए आप तो समझो कि फिसल के नीचे गिर गए। तो आप यहाँ पर आए तब बड़े ही आराम से आइएगा, पूरा ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम आगे अपने रास्ते पर। तो गाइज अभी हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं यार, फिर से थोड़ी देर पे हम रेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि सफ़र अभी और भी आगे लंबा है। फ्रेंड्स तो बैठे हैं, हमने सोचा थोड़ा आपको और कुछ बता दिया जाए। अगर आप इस पावन तीर्थ पर आए तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके ना आए, लेके भी आए तो उनके लिए पानी वगैरह, खाने वगैरह के लिए कुछ ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि आगे कोई शॉप है या नहीं है कुछ कह नहीं सकते वैसे तो। और ये रास्ता तो आपने देख ही लिया होगा यार, बहुत ही घाटा वगैरह है यहाँ पे, तो आप संभाल के आइएगा, प्लीज़ छोटे बच्चों को लेके ना आइए। तो चलिए फिर भी हम यहाँ पे तो रेस्ट कर ही लिया है इन्होंने, तो अब हम निकलते हैं प्लीज़ अपने रास्ते पर, क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है टाइम से। ऑलरेडी अभी 12:15 तो हो ही रहे हैं, तो कैसे भी हमें दर्शन वर्शन करके घूम घुमा के वापस अपने घर पर जाना है। जब भी हम एक बड़ा ही मनमोहक नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे,
रास्ते की हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे पगडंडियाँ है छोटी छोटी, और पगडंडियाँ दोनों तरफ जा रही है, नदी की उस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। तो हम यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी बार कंफ्यूज हो चुके हैं। पिछली बार भी हम हो गए थे, पर एक कोई है थे लेडीज़ वहाँ पे, तो हमने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने बताया ये रास्ता है। अब यहाँ पे आके हम फिर से कंफ्यूज हो चुके हैं, पर कोई ना, हमें फिर भी ऐसा अंदाज़ा लग रहा कि ये वाली पगडंडी जाएगी वहाँ पे जहाँ पे मनसूबे आगे जा रहे हैं। तो नज़ारा आप देखिए यार, बहुत ही अच्छा है। और इतनी देर हम अंदर जंगल के अंदर से आ रहे थे तो रोशनी भी बिल्कुल नहीं पड़ रही थी, पर यहाँ पे कितनी प्यारी सी रोशनी पड़ रही है सुबह की। और ऐसे रास्तों में यार अकेले आने में तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए हम अपने बॉडीगार्ड सुरेश भैया को भी साथ में लेके आए। सुरेश भैया पूरे रास्ते तक हमारे आगे आगे ही चलते रहे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे किसी बात की। सुरेश भैया आप भी कुछ बोलना चाहोगे? चलिए, तो सुरेश भैया और मैं चल रहे आगे रास्ते पे, मनसुख भैया हमारे आगे निकल चुके हैं। मनसुख भैया कुछ देख ही रहे हैं, इनको वैसे सीताफल बहुत पसंद है मनसुख भैया को। मनसुख भैया आते बार बहुत से सीताफल के पेड़ों को देख रहे थे कि किसी पे तो सीताफल लगी हो, दो तीन जगह पे मिली भी थी इनको, पर वो कच्ची थी। तो मनसुख भैया का मूड वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मनसुख आगे निकल चुके हैं, सुरेश भैया आगे निकल रहे हैं, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। गाइस आप भी आइए मेरे साथ और वीडियो एंजॉय कीजिएगा, स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना, आगे भी हम आपको बहुत कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने वाले हैं। पहले तो हम इस व्यूज को एंजॉय कर लेते हैं, ये हमारे लिए एकदम एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है वैसे, क्योंकि हमने पहले के जितने भी वीडियोस बनाए थे, हमारा मैगी वीडियो हो गया, दाल बाटी चूरमा वीडियो हो गया, वो सारे के सारे आपने बहुत ही अच्छे से देख भी लिए हो गए और बहुत प्यार दिया उस वीडियो पे आपने हमें, क्योंकि हमारे एक यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल ही नया है, तो हमारी इतनी जान पहचान भी नहीं है, फिर भी आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना व्यूज़ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को और शेयर भी कर रहे हैं। हमारे किसी एक व्यूअर ने या हमारे किसी एक जान पहचान के फ्रेंड ने भी, जिनका नाम हमें नहीं पता है, उन्होंने हमारे चैनल का अखबार में दिया था एडवर्टाइज़। हम राजस्थान की जितनी भी ऐतिहासिक जगह है हमारे मारवाड़ क्षेत्र की, वो हमने बना रखी है उस पर वीडियोज़, तो उसी के बारे में उन्होंने एडवर्टाइज़ दी थी उनके लिए। इसके लिए हम उनको बहुत ही बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे, उपकार रहेगा हमारे ऊपर, तो उसके लिए थैंक यू। हमें उनका नाम नहीं पता है, नहीं तो हम उन्हें पर्सनली अपने वीडियो में लाकर उनको थैंक यू बोलते हैं। पर कोई ना गाइस, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो भैया जिन्होंने एडवर्टाइज़ दी है, तो आपको हमारे तरफ से बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो गाइस वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। मनसुख भैया शायद इस पगडंडी पे गए, मैं तो भूल ही गया हूँ क्योंकि मैं वीडियो के अंदर ही ध्यान दे रहा हूँ। तो आइए आप भी हमारे साथ, वीडियो एंजॉय कीजिए गाइस। थोड़ी सी ढलान है, थोड़ी सी चढ़ाई भी है, मुश्किल है रास्ता, पर हमने ठान रखा है कि हम मंजिल तक पहुंच के ही रहेंगे। वही बात है, हम अपनी पूरी कोशिश करके, जी जान लगाकर अपनी मंजिल तक जाने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने देखा है यार, ये यहाँ की जनता, यहाँ के लोकल लोग कितने जागरूक हो गए, तो उन्होंने ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है। यहाँ पे बिजली के तार पहुँचना तो बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि घाटियाँ है चारों तरफ, पर ये एक पुराना घर है, यहाँ पे शायद अभी कोई रहता भी नहीं है, फिर भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे केबल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे, उसको देख के पता चल रहा है कि थोड़े टाइम पहले शायद यहाँ पे कोई ना कोई तो रहता ही था, पर कोई ना, यहाँ के लोकल लोग बड़े ही जागरूक है। मैं तो ये घर ही देख रहा हूँ यार, कितना पुराना है, पत्थरों से बना हुआ। चलिए आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। Thank you.
तो सूरज कुंड के लिए यही से सीधा रास्ता है। तो रास्ते में आते वक्त हमें ये भी दिखाया कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल लेडीज वगैरह है, वो यहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए पशुचारण ही उनका एकमात्र सहारा है। आप तो देख सकते हैं पशुचारण ही इनका जीवन है यहाँ पे। मनसुख भैया आगे पहुँच चुके हैं। मनसुख भैया बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले एक दादाजी थे, उन्होंने हमें बताया था कि रास्ते पे आगे पुलिया आने वाला है, वही पुलिया आ चुका है। मनसुख भैया उसी पुलिया पे हैं, हम भी वहीं पे चलते हैं। व्यूज तो काफ़ी शानदार है यहाँ का, इसमें पशु चल रहे हैं, एक छोटा सा पाउंड टाइप बना हुआ है यहाँ पे, पानी भी है इसी मौसम में, छोटे छोटे बच्चे वगैरह यही पे अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। पुरुष तो ज़्यादातर यहाँ से बाहर ही चले जाते हैं कमाने के लिए, बाकी यहाँ पे जो बीवी बच्चे होते हैं उन्हीं को यहाँ पे रखते हैं, और उन्हीं का भी एकमात्र सहारा यहाँ पे पशु चारण ही है। तो हमने आज एक बहुत ही अच्छा नया एक्सपीरियंस किया है। तो आगे सूरज कुंड का रास्ता यहाँ से अभी भी 1 किलोमीटर के आस डिस्टेंस पर तो हो गई शायद। तो सूरज कुंड, आज हम आपको सूरज कुंड के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। सूरज कुंड वहाँ की, मतलब जो अगर कहे कि उस स्थल की पहली बार खोज सत्यापन किया था तो अवधेश चंद्र जी महाराज थे। बेसिकली यहाँ के लोकल लोग ने हमें बताया है कि अवधेश जी महाराज पंजाब से आए थे। पंजाब से आने के बाद वो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियों में काफ़ी टाइम तक घूमते रहे। लगभग उन्हें 15 से 17 वर्ष लग गए थे इस सूरज कुंड की खोज करने में, इस पावन स्थल की खोज करने में। तभी से अवधेश जी महाराज के यहाँ पे खोज करने के बाद से इस स्थल को बहुत ही पावन तीर्थ माना गया है मेवाड़ मारवाड़ के धरती पर। तो हम आपको आज इसी का दीदार कराने वाले हैं। सूरज कुंड को हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे, वहाँ पे क्या क्या एक्सपर्टीज़ है। अगर हमें वहाँ पे अवधेश चंद्र जी महाराज भी मिले तो हम आपको उनको ज़रूर दिखाएंगे, उनके दर्शन कराएंगे, उनसे बातचीत करने के भी ट्राई करेंगे। वैसे शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, पर हम फिर भी बहुत ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा आने का मकसद ही उनके दर्शन करना था। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। गाइस फाइनली मनसुख भैया को सीताफल मिल चुकी है। ये सीताफल कच्ची है पकी ये नहीं पता, पर मनसुख भैया से तोड़ रहे हैं। मनसुख भैया की तहे दिल से तमन्ना थी कि उन्हें इस रास्ते पर एक सीताफल तो मिल जाए, पर मनसुख भैया बता रहे कच्ची है। हाँ ये कच्ची है, पर इसे घर तो लेके जा ही सकते हैं, पकाने की ट्राई करेंगे घर जाके। मनसुख भैया का सपना यहीं पर अधूरा रह गया। मनसुख भैया ने अभी गिव अप कर लिया यार कि क्या खाना है अब सीताफल। मनसुख भैया तो गए आगे। मनसुख भैया कैच, वाओ व्हाट अ कैच। सुरेश भैया बॉडीगार्ड हमारे आगे रास्ते पे चल रहे, मैं तो थक गया हूँ यार, सुरेश भैया के कंधे पे जाके बैठने वाला हूँ अभी। सुरेश भैया उठा लोगे मेरे को? सुरेश भैया बोल रहे बिल्कुल उठा लेंगे, तो चलिए ना यार। सुरेश भैया उठा लो यार, अभी तो मैं थक गया हूँ, वेट मैं आ रहा हूँ। कैसे उठाओगे? कैसे ऐसे? अरे अरे, तो मनसुख भैया सुरेश भैया उठा पाते कि नहीं उठा पाते वो तो देखते। अरे यार उन्होंने उठा लिया, पर इस रास्ते पे ऐसे उठा के लेके जाएंगे मेरे को? ये राम कहीं गिरा ना दे मेरे को, इस पावन तीर्थ पे मेरा तीर्थ दाम हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत है बहुत है बहुत है। फिर भी हमारे बॉडीगार्ड सुरेश भैया ने मेरे को उठा तो लिया, क्योंकि मेरा वजन ही 65 kg है, फिर भी सुरेश भैया ने उठा लिया। सो गाइज फाइनली अभी हमें यहाँ से रास्ता थोड़ा आसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत दूर चलने के बाद हमें एक निशान दिखा है, ओम का निशान।
और जैसा कि हमें लग रहा है कि आगे भी हमें ऐसे निशान और भी दिखने वाले हैं जगह जगह पर, ये साइन होगा हमारे लिए कि अभी हम अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और सूरज कुंड अभी भी यहाँ से थोड़ा दूर है, हम आ चुके हैं यहाँ पर, बैठे हैं अभी। यहाँ पे पशुओं के पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है और बाकायदा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, मेंशन किया हुआ है नीचे कि इसमें हम हाथ मुंह कुछ ना धोए, तो ये पवित्र पानी होगा हमारे लिए। तो हम यहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाथ मुंह यहाँ पे कुछ भी नहीं धो रहे हैं। और मैंने आपको वीडियो में वैसे पहले बता रखा है कि अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो तो पानी वगैरह साथ में ज़रूर लेके आए, और हमने यही एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम पीने का पानी साथ में लेके नहीं आए, तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है। हमें जैसे कि लग नहीं रहा है कि हमारे लिए उपयुक्त है ये पानी पीने के लिए, हम जल्दी से जल्दी सूरज कुंड जाके पानी वानी पीने की ट्राई करेंगे यार, मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यास लग चुकी है। मनसुख भैया की तो हालत ही ख़राब हो चुकी है, उनके पूरे कपड़ों में जंगली घास वगैरह घुस चुकी है। हमारे बॉडी गार्ड सुरेश भैया तो क्या करें, सुरेश भैया खुद भी थक चुके हैं यार आज तो बहुत, हमें रास्ता बताते सुरेश भैया की क्या करें, 9:00-2:11 हो चुकी है अभी। तो अभी हम अपने रास्ते पे चलते हैं, मनसुख भैया आगे चल रहे हैं, सुरेश भैया हमारे थोड़ी देर बाद ही आने वाले, शायद थक गए। सुरेश भैया आप रेस्ट कर रहे हो थोड़ी देर, ठीक है। मैं और मनसुख भैया आगे चल रहे हैं, भैया और सुरेश भैया हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे हम। तो पत्थरों पर ऐसे ऐसे निशान बने हुए हैं रेड और वाइट कलर में, ताकि हमें पता चल चुके कि आगे रास्ता कंटिन्यू है। और जैसे कि मैंने बताया था, ओम तो हमें इस रास्ते पे मिलने ही वाला है, एक पावन तीर्थ, ओम नमः शिवाय। मनसुख भाई हमारे आगे चल चुके हैं, हम भी कंटिन्यू करते हैं। देखो आप कितना घना जंगल है यार, आगे विकट रास्ता नज़र आ रहा है, रोशनी की थोड़ी कमी होने वाली है आगे। कोई ना, आप नज़ारा एंजॉय कीजिए, व्यू बड़ा ही मस्त है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, हमारे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला है ये छोटे छोटे नालियाँ हमें पहाड़ों वाले एहसास दिलाती है कि राजस्थान में भी पहाड़ों वाली कोई कमी नहीं है। राजस्थान में आप आए हो तो यहाँ की पहाड़ी अरावली धरा को ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए, अरावली से बढ़िया और क्या होगा राजस्थान में। अरावली में बहुत सारे राज हैं, हमारे महाराणा प्रताप जी यहीं इसी अरावली की पहाड़ियों में अपने देश अपने वतन के लिए युद्ध लड़े थे बहुत ही बार। और आज हम मैं वैसे बता दूं, मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, वो भी भैया के कारण, भैया लेके आए मेरे को विजिट कराने यहाँ पे। कुल मिला के बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक सरप्राइज़ था भैया की तरफ से कि मैं यहाँ पे आया, ये सब विज़िट किया, हम सब ने बड़े ही मज़े किए यहाँ पे। और यहाँ पे भी हल्के हल्के तीर के निशान तो बने ही हुए हैं, तो आप आए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई घूम ना जाए, क्योंकि बहुत सारी पगडंडियाँ बनी हुई थी, हम उसी के चक्कर में अभी बहुत लेट हो चुके हैं। पगडंडियों के चक्कर में हमें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ ऊपर चले गए कहाँ नीचे चले गए आधे लोग, पर अभी हमें थोड़ा कम्फर्टेबल है क्योंकि जगह जगह पर ऐसे निशान बने हुए हैं जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमें आगे जाना है, रास्ता कंटिन्यू करना है। तो चलिए जल्दी सूरज कुंड की तरफ भी चलते हैं हम, क्योंकि हम भी दोपहर के 2-3 बजने को आ गए हैं, हमें वापस रास्ता क्रॉस करके खिवाड़ा भी जाना है हमारे गांव ऑलरेडी। और अभी सर्दियों का टाइम है तो शाम बड़ी जल्दी होने वाली है, अंधेरा हो गया तो हमें और भी ज़्यादा मुश्किल होगी घर जाने के लिए। मनसुख भैया वेट करो यार, मैं थक गया हूँ, वेट मनसुख भैया वेट। अरे यार बहुत ज़्यादा दूर है अभी तो, मनसुख भैया फिर भी बोल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं है। एक्चुअली इन्होंने हमें मोटिवेट कर रखा है, कब से बोल रहे हैं ज़्यादा दूर नहीं है और इतना चला लिया। पर कोई ना यार, बड़ा ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, न जाने हमें वापस कब मौका मिलेगा यहाँ आने का और ऐसी जगह विजिट करने का, ऐसे अंधेरी जगह, पहाड़ जंगल,
जंगल को इतने करीब से देखा है मैंने और सूरज कुंड का हमें एक और सबूत मिल गया है, यही हमारे आशा का कारण बनने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज कुंड और तीर का निशान बना हुआ है, सूरज कुंड आगे ही है। सूरज कुंड का नाम देखते ही मेरे मन में ऐसे हैप्पीनेस आ गई है कि यार जल्दी पहुँचने वाले हम लोग। जंगल में हमें जितने भी काले पत्थर दिख रहे हैं उन सब पर प्यारे से ओम का चिन्ह का निशान है। ओम का चिन्ह का निशान हमें बड़ा ही मनमोहक लग रहा है और ये काले पत्थर जंगल में। जंगल काफ़ी घना है, सूरज की रोशनी दोपहर में भी अंदर नहीं आ रही है वैसे, और काफ़ी ख़तरनाक भी लग रहा है वैसे। कोई अकेले आ रहे हैं फैमिली के साथ तो वो डरने वाला है ऑब्वियसली, कन्फर्म है। हम तो फिर भी हमारे फ्रेंड्स साथ में हैं इसलिए ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा, इतना डर वाली कोई बात नहीं है। पर आप सब आए तो ध्यान रखिएगा पे पूरा।
फाइनली हम मंदिर के जस्ट सामने खड़े हैं। अभी पीछे आपको हमारा मंदिर दिख रहा होगा, यहीं पे रहते हैं श्री स्वामी अवधेश चंद जी महाराज, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बता रखा है कि अवधेश चंद जी महाराज पंजाब से आए थे। बेसिकली उनको ये जगह ढूंढने में कम से कम 15 से 16-17 साल लग गए थे, और ये जगह है ही इतनी पावन तीर्थ कि आप देख ही सकते हैं यहाँ का माहौल हमें एक अलग ही एहसास दिला रहा है। एक बहुत ही पावन तीर्थ है जहाँ पर अभी हम आए हैं, और मंदिर का व्यू हम आपको बाद में दिखा देंगे। ट्रैक हमारा टोटल 2.5 से 3 घंटे तक चला ही है, और ट्रैक में हमने आज बहुत ही नया एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते देखे हमने, काफ़ी इन्जॉय भी किया हमने। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी हमने आपको दिखाया कैसे यहाँ की महिलाएं बच्चे अपना आवागमन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए पशुचारण वगैरह सब करते हैं। और यही सब देखते दिखाते हुए हम आ चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल का रास्ता काफ़ी कठिन था, और मेरे हाथ का ऑपरेशन वगैरह होने के कारण मेरे को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली प्रॉब्लम हुई थी चढ़ने उतरने में, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन था यार। और कई सारे नाले वगैरह क्रॉस किए हमने, और ऐसे ऐसे जंगल से निकले हैं जहाँ पे रोशनी तो बड़ी मुश्किल से आती थी, पर कोई ना, मेरे को बड़ा ही मज़ा आया ये सब करने में, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। साथ में मेरे मनसुख भैया, सुरेश भैया, मेरे बॉडीगार्ड साथ में थे, इसलिए मेरे को और भी ज़्यादा मज़ा आया। और डर किसी बात का नहीं था, क्योंकि सुरेश भैया हमारे साथ थे, हमारे बॉडीगार्ड सुरेश भैया वगैरह सब अभी अंदर मंदिर की तरफ ही गए हैं। हम भी अभी मंदिर के अंदर ही जाने वाले हैं। मैं अभी मंदिर के अंदर गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही है मेरा ये। और यहाँ पे बेसिकली इस मौसम में पर्यटक अभी शायद थोड़े कम आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे भीड़ वगैरह थोड़ी ज़्यादा ही रहती है पर्यटकों की, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से सुविधा बनाई हुई है, नहाने की, शौचालय वगैरह सभी की सुविधा है, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती होगी। पर कोई ना, आप सभी आए और यहाँ पे विज़िट कीजिए हमारे सूरज कुंड को। मेवाड़ अरावली पहाड़ियों में ये एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसे आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सबका प्यार ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। कमेंट कीजिएगा वीडियो पे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें इस वीडियो या आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियो है उन सब में क्या क्या सुधार करने चाहिए ये सब भी हमें बताइएगा, क्योंकि हमने बता ही रखा है आपको कि हमारा यूट्यूब चैनल नया है, और बेसिकली हम सब ये नए हैं। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं अपने आने वाले वीडियो की क्वालिटी सुधारे और वॉइस कंटेंट सब कुछ अच्छा करें, पर फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगी है तो इसके लिए हमें माफ़ी चाहिए आपसे। वीडियो को आप पूरा वॉच कर लीजिएगा, अपने परिवार रिश्तेदार सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही पावन तीर्थ है, और विज़िट ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। चाय पूरी
ये सूरज कुंड। तो गाइस हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे एक भैया मिले हैं, उनका नाम घनश्याम जी शर्मा साहब है। ये बेसिकली उज्जैन के रहने वाले हैं, उज्जैन से यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। तो घनश्याम जी, आप उज्जैन से आए हो यहाँ पे दर्शन करने? हाँ। तो कब आए आपने? हम यहाँ पे आए सुबह सुबह में आए थे। हम कल आए थे लेकिन रास्ता भटक गए। अच्छा, आप कल रात को आए थे यहाँ पे और तो रास्ता भटक गए? हाँ, फिर आधे रास्ते से पलट के गए सुबह उठ के। तो आपने मुझे बताया कि आप बेसिकली जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ 3 किलोमीटर आगे आ चुके थे आप ऑलरेडी, 3 किलोमीटर फिर आप वापस गए, रात को गए थे इसमें? नहीं, हम 3 किलोमीटर से ज़्यादा आ गए। 3 किलोमीटर से ज़्यादा आगे थे? 3 किलोमीटर तो वहाँ तक आए, वहाँ से 2 किलोमीटर इधर आ गए। अच्छा। हाँ, फिर पलट के गए। अच्छा, वो रात हो गई थी इसलिए? हाँ, रात हो गई, काफ़ी रात हो गई, 8 बज गए। और अभी यहाँ पे आपका आने का मकसद पूरा हुआ या महाराज के दर्शन नहीं हो पाए आपको भी? नहीं, गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए थे। हाँ। अभी नहीं हुए, बोल रहे थे 8-10 दिन बाद आएंगे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि गुरु जी तो हमें यहाँ पे मिले नहीं है, वैसे गुरु जी शायद पूना साइड में कहीं पर गए हुए हैं। हाँ। तो 8-10 दिन बाद में फिर से आने वाले हैं यहीं पर, तो वो अगर यहाँ पर आएगी और हमें पता चला तो हम वापस ज़रूर आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। घनश्याम जी, आप भी शायद यहाँ पर ज़रूर आएगा? हाँ, ज़रूर आएंगे। हमको यहाँ से आस्था है, हम आए थे गुरुदेव मिले नहीं, फिर आएंगे। ये आस्था ही है जिससे सभी लोग यहीं पे आते हैं, आस्था होनी चाहिए क्योंकि आस्था के बिना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। और आस्था के लिए हम सभी यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए, कोई ना हमें दर्शन नहीं हो पाए तो हम 8-10 दिन बाद जब भी हमें पता चलेगा कि गुरु जी वापस आ गए तो मैं घनश्याम जी हम जहाँ कहीं भी हो गए वापस ज़रूर आ गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हम अनगढ़ भी गए थे चतुर्मास में, चतुर्मास था इनका 4 महीने का। अच्छा जी। वहाँ 3 महीना सेवा दे के आए, आप उनसे मिल चुके हैं? हाँ, गुरुदेव से बहुत आशीर्वाद दिया है उन्होंने आपका। हाँ, उन्हीं की महिमा है कि शर्मा जी तो पहले भी उनसे मिल चुके हैं महाराज जी से। 3 महीना सेवा दे चुका हूँ, उनके चरणों का आशीर्वाद दे चुका हूँ। अच्छा, तो उन्होंने 3 महीना सेवा का फल भी पाया है और आज फिर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, पर इस बार इन्हें वो फल प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि गुरु जी बाहर गए हुए हैं, हमें भी नहीं मिल पाए, गुरु जी के दर्शन नहीं हो पाए हमें भी। हम 8-10 दिन बाद में फिर से ट्राई करेंगे या भविष्य में कभी भी हम ट्राई ज़रूर करेंगे कि हमें महाराज जी के दर्शन हो सके। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद है। अभी हमें घर के लिए वापस निकलना पड़ेगा, हम शर्मा जी से भी अलविदा कहना चाहेंगे। जय श्री महाकाल। अभी हम महाराज जी से मिले थे, हमने उनको प्रणाम वगैरह किया है। महाराज जी ने हमें बोला है कि आप बाकी सारे वीडियो ले सकते हो पर हमारा वीडियो मत लीजिए। तो हम महाराज जी को तो आपको दिखा नहीं सकते हैं, पर हमारे पीछे सूरज कुंड है और बाकी सब देख ही सकते हैं आप, पानी वगैरह सभी व्यू बड़ा ही अच्छा है यहाँ पर। तो आप भी आइए जल्दी से और विजिट कीजिए सूरज कुंड को,
का मंदिर विजिट कीजिए, महाराज जी के दर्शन कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, फिर इससे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारे इस वीडियो में और कौन सी कमी रह गई थी जिसे हम आगे अपने वीडियो में सुधारने की पूरी ट्राई करें। ओके गाइज़।